डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये जैसे ही कोई स्टूडेंट्स बॉटनी में जो भी चैप्टर्स पढ़ता है, अक्सर आप इन टर्म्स से वहाँ पे एनकाउंटर होते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली जो दो टर्म्स हैं, ये है गैमेटोफाइट एंड डिस्पोरोफाइट। तो आज हम इन दोनों की कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये गैमेटोफाइट क्या हैं, इनका क्या फंक्शंस है, स्पोरोफाइट क्या हैं, इनका क्या फंक्शन है, और ये आपस में किस तरीके से इंटरकन्वर्ट होते हैं। और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि ये कंसेप्ट एनिमल के रेफरेंस में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टडी। यहाँ पे किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले पहले एक आउटलाइन समझिए कि ये जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, ये थोड़ा सा इनके बारे में जनरल पॉइंट्स क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप जैसे दो टर्मिनोलॉजी एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट देख रहे हो, जैसे गैमेटोफाइट और ये दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या है, स्पोरोफाइट। तो देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, पहले तो जैसे ही आपके सामने गैमेटोफाइट वर्ड आ जाए, आप समझ लीजिए वो हैप्लॉइड है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर गैमेटोफाइट है तो वहाँ पे क्रोमोसोम आधे होंगे, राइट। और अगर कभी भी आपके सामने स्पोरोफाइट टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो स्पोरोफाइट टर्मिनोलॉजी आते ही आप ये समझ जाइए कि वहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं है, डिप्लॉइड है। ये एक मेन कंसेप्चुअल डिफरेंस है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो देखिए, पहले हम समझते हैं गैमेटोफाइट को। तो ये तो रहा बेस्ड ऑन क्रोमोसोम प्लॉइडी स्टेज, कि मतलब कितने क्रोमोसोम है। अगर उसमें हाफ क्रोमोसोम है तो गैमेटोफाइट होगा, अगर उसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल है तो वो चीज़ स्पोरोफाइट कहलाएगी। ये टर्मिनोलॉजी हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के केस में यूज करते हैं, एनिमल के केस में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे पहले इस वर्ड्स को देखिए, गैमेटोफाइट, गैमेटो गैमेट्स, फाइट प्लांट, मतलब वो प्लांट बॉडी, प्लांट की वो फेज जो गैमेट्स बनाती है वो क्या कहलाएगी, गैमेटोफाइट कहलाएगी। और स्पोरोफाइट को देखिए, स्पोर और फाइट दो शब्दों से मिलके बना है, तो स्पोर मींस स्पोर और फाइट मींस प्लांट, मतलब प्लांट की वो फेज जो स्पोर बनाती है वो क्या कहलाएगी, स्पोरोफाइट, राइट। तो ये तो रहा दोनों का मतलब। अब जो गैमेटोफाइट होता है वो तो हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर अगर गैमेट्स बनाएगी तो क्या मियोसिस पॉसिबल है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब कि कोई भी गैमेटोफाइट बॉडी अगर गैमेट्स बनाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से ही बना सकती है, क्योंकि जो बॉडी इसको बना रही है वहाँ पे ऑलरेडी क्रोमोसोम आधे हैं, और आधे क्रोमोसोम को और आधा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब गैमेटोफाइट बॉडी जो गैमेट्स बनाएगी वो ऑलवेज कौन सी प्रोसेस से बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। अब देखिए, जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मियोसिस हो सकता है। इसीलिए जो स्पोर हैं ये कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, राइट। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो ये तो रहा ये बात कि भाई गैमेटोफाइट गैमेट्स कैसे बनाएगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा और कैसे बनाएगा। अब कुछ और भी डिफरेंस हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। जैसे जो हैप्लॉइड फेज ऑफ प्लांट है, अगर किसी भी प्लांट की हैप्लॉइड फेज है तो वो गैमेटोफाइट कहलाती है। ये फेज जो है वो गैमेट्स बनाती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। और ये गैमेट्स कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, राइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये बना कैसे, राइट। तो देखिए, स्पोरोफाइट से बना, लेकिन किसके थ्रू बना, स्पोर के थ्रू बना। इसका मतलब स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, और स्पोर आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलप फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, इनको स्पोर जर्मिनेट होके बनाते हैं। अगला पॉइंट्स कि ये जो अगर कहीं गैमेटोफाइट स्टेज इन्वॉल्व है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, राइट। उसके बाद ये फेज कहाँ पाई जाती है, ये मेन मोस्ट कॉमन मतलब डोमिनेंट फेज के रूप में ये फेज पाई जाती है थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में,
राइट, ये फेज पाई जाती है, मतलब कि थैलोफाइट्स जिसमें कि एल्गी और लाइक ये जो एल्गी हैं ये आते हैं, राइट। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें भी जो मेन प्लांट बॉडी फेज होती, मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट स्टेज में पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ डिफरेंस मतलब करेक्टरिस्टिक्स रहा गैमेटोफाइट का कि भाई हैप्लॉइड फेज है, क्रोमोसोम आधे होते हैं, गैमेट्स बनाती हैं, और ये गैमेट्स हमेशा माइटोसिस से समसूत्री विभाजन से बनते हैं। और ये कहाँ से बनती है, तो देखो स्पोरोफाइट से स्पोर बनाएंगे और स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा, और ये गैमेट्स क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। इस कन्वर्जन को आप हमेशा याद रखना, राइट। और ये कहाँ पाई जाती है ये फेज, ये पाई जाती है थैलोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में, मतलब जो मेन प्लांट हैं वो गैमेटोफाइट स्टेज में अगर कहीं पाया जाता है तो वो थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अब आते हैं हम स्पोरोफाइट पर। जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड फेज है, और ये डिप्लॉयड फेज अगर है तो यह मियोसिस हो सकता है। इसका मतलब ये फेज क्या बना रही है, स्पोर बना रही है, और स्पोर यहाँ पे कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, और जो मियोसिस से स्पोर बनते हैं उनको सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि स्पोर एक कंट्रोवर्शियल टर्म है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो स्पोरोफाइट है ये बन कैसे रहा है, तो जो गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और उससे जायगोट बनता है, और यही जायगोट आगे चल के क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। अच्छा, ये यहाँ पे समझिए कि रिप्रोडक्शन मोड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए कहीं अगर स्पोरोफाइट ही भाग ले रहा है उसमें, कहीं कि रिप्रोडक्शन में गैमेटोफाइट इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, सेक्सुअल नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझिए, इसको कुछ ऐसे समझिए जैसे ये एक प्लांट है, राइट। इस प्लांट में लीफ है, आप जानते हो बहुत सारे जो जैसे हायर प्लांट हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। अब जब डिप्लॉयड है तो ये क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। अब मान लो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, मान लो ये अगर इस स्ट्रक्चर इससे अलग हो जाए तो आगे चल के एक नया प्लांट बना देती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे इस प्लांट से ये प्लांट बना और इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना, तो ये डिप्लॉयड था और इससे जो प्लांट बना ये भी डिप्लॉयड था, कहीं पे गैमेटोफाइट फेज आपको दिखी, बिल्कुल नहीं दिखी। तो मदर प्लांट से एग्जैक्टली उसके जैसा मदर प्लांट का बनना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है यूजुअली, किसी स्ट्रक्चर के वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू अगर कहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो एसेक्सुअल होता है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है इस एसेक्सुअल होता है, और यहाँ पे स्पोरोफाइट प्लांट था और बाद में जो प्लांट बना वो क्या कौन सा बना, वो भी स्पोरोफाइट था, कहीं पे गैमेटोफाइट आया ही नहीं है। इस तरह की सिचुएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कहीं सिर्फ स्पोरोफाइट ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो रिप्रोडक्शन मोड कैसा होगा, एसेक्सुअल होगा, और कहीं अगर गैमेटोफाइट पार्ट कर रहा है तो वो कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। अब इस गैमेटोफाइट वाले को समझिए, एक प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर है, ये मान लो फ्लावर है, इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन और ये सारी चीज़ें बनेंगी, पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे जाएगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन करेगा, तो पॉलन ग्रेन के अंदर ही तो मेल गैमेट्स होता है। मेल गैमेट्स बोले तो हैप्लॉयड स्टेज, पॉलन ग्रेन भी तो हैप्लॉयड होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर भाग ले रही है ये कौन से रिप्रोडक्शन में भाग ले रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो ना। तो ये यहाँ से इस तरीके से समझो कि अगर कहीं गैमेटोफाइट फेज पार्टिसिपेट कर रही है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट फेज पार्टिसिपेट कर रही है तो वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, राइट। और दोनों कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो सेक्सुअल होगा क्योंकि वहाँ पे गैमेटोफाइट आ गया ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये स्पोरोफाइट फेज पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है ट्राइडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब ट्राइडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स ये हायर प्लांट्स हैं, ये डेवलप्ड प्लांट्स हैं एज कम्पेयर टू थैलोफाइट एंड ब्रायोफाइट। इसका मतलब स्पोरोफाइट जो फेज है ये ज़्यादा डेवलप मानी जाती है एज कम्पेयर टू गैमेटोफाइट।
इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवोल्यूशन में ज़्यादा एडवांस कौन सी फेज है, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, तो आपका आंसर क्या होगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फेज इज मोर एडवांस एज कम्पेयर टू गैमेटोफाइट फेज। तो आई होप कि थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आपको लगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आई हो, टेंशन नहीं लेना है, अभी हमारी अपकमिंग सेक्शंस में आपको वो चीज़ें डिस्कस क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसी भी प्लांट के अंदर दो फेज पाई जाती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। इनके इंटर कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। अब गैमेटोफाइट फेज स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होती है किसके थ्रू? गैमेट्स के थ्रू। और स्पोरोफाइट फेज गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होती है किसके थ्रू? स्पोर के थ्रू। गैमेट्स किससे बनते हैं? माइटोसिस के थ्रू। स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस के थ्रू। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि नॉर्मली गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, राइट, और किस तरीके से ये जो है कंसेप्चुअली एक दूसरे से डिफर हैं। अब हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस उसमें देखा स्लाइड्स में कि जो गैमेट लोअर प्लांट्स हैं वो मेनली उनका जो प्लांट बॉडी है, जैसे आप किसी एल्गी को देखोगे, आपको आँखों से जो एल्गी दिख रहा है वो हैप्लॉइड है, इसका मतलब वो गैमेटोफाइट है। आँखों से अगर कोई ब्रायोफाइट दिख रहा है तो वो हैप्लॉइड होता है, इसका मतलब वो गैमेटोफाइट है। जो आप टाइडोफाइट्स अपने चारों तरफ देख रहे हो, जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट देख रहे हो, एंजियोस्पर्म्स के प्लांट देख रहे हो, ये हैप्लॉइड नहीं होते हैं। जो आंखों से आपको दिख रहे हैं ये प्लांट कैसे होते हैं अपने चारों तरफ? ये डिप्लॉइड हैं, और डिप्लॉइड नेचर के कारण ये गैमेटोफाइट नहीं होते, ये क्या कहलाते हैं? स्पोरोफाइट कहलाते हैं। अब एक एक करके हम ये देखते हैं कि गैमेटोफाइट फेज क्या है, किस तरीके से कंसेप्चुअली इसमें अदर टर्म्स आते हैं। गैमेटोफाइट फेज में देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो गैमेटोफाइट फेज है वो क्या बनाती है? गैमेट्स बनाती है। किसके थ्रू बनाती है? माइटोसिस के थ्रू बनाती है। कहाँ बनाती है? जिस स्ट्रक्चर में बनाती है उसको कहते हैं गैमेटेंजियम। इसका मतलब गैमेटेंजियम क्या है? गैमेटेंजियम एक वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैमेट्स बनाए जाते हैं, और गैमेटेंजियम इसका मतलब कहाँ पाई जाएगी? गैमेटोफाइट्स में पाई जाएगी। तो गैमेट्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। इसका मतलब मेल गैमेट्स को बनाने वाली गैमेटेंजियम क्या कहलाएगी? मेल गैमेटेंजियम। और फीमेल गैमेट्स को बनाने वाली गैमेटेंजियम क्या कहलाएगी? फीमेल गैमेटेंजियम, राइट। अब मेल गैमेटेंजियम में आपको बहुत सारी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कभी कभी अलग अलग आती हैं, जैसे एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, ऊगोनियम, कहीं एम्ब्रियोस है, कहीं पोलन ग्रेन। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी हैं इनका म्यूचुअल क्या एक दूसरे से डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि कभी भी अगर आप एंथ्रीडियम सब सुनो तो वो मेल गैमेटेंजियम होता है, पहली चीज़ तो आप दिमाग में ये डाल लो। दूसरा, एंथ्रीडियम कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो देखिए, थैलोफाइट्स में एंथ्रीडियम पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, और टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि थैलोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, कहलाता है? एंथ्रीडियम कहलाता है। ब्रायोफाइट्स में क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम कहलाता है। टेरिडोफाइट्स में क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम कहलाता है। तो अलग से आपको याद नहीं करना है। तो जो मेल गैमेटेंजियम है थैलोफाइट्स में, जो मेल गैमेट्स बना रही है वो एंथ्रीडियम कहलाती है। अब आगे अगर देखें जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, तो यहाँ पे एंथ्रीडियम नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे एंथ्रीडियम जो है वो नहीं पाई जा रहे हैं। इसका मतलब हायर प्लांट्स में मेल गैमेटेंजियम नहीं पाए जाते, राइट। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, आगे हम इसका एवोल्यूशन देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी हम अगर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पर आपको वो फिर कन्फ्यूज करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि ब्रायो एंड टेरिडोफाइट का जो एंथ्रीडियम है वो एक पॉइंट में थैलोफाइट्स के एंथ्रीडियम से अलग होता है। थैलोफाइट्स का जो एंथ्रीडियम है वो यूनिसेलुलर होता है, और इनके ऊपर कोई जैकेट नहीं होता, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। जबकि जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हैं, ये इनका जो एंथ्रीडियम है ये जो है मल्टी सेलुलर होता है, और इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है। ये थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स के एंथ्रीडियम का एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिफरेंस है। जिम्नो और एनजीओ में, एनजियोस्पर्म में तो एंथ्रीडियम है ही नहीं, तो यहाँ तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं आपको। अब जो फीमेल गैमेट्स हैं उनको जिस गैमेटेंजियम में बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? फीमेल गैमेटेंजियम। अगर कोई फीमेल गैमेटेंजियम आप थैलोफाइट्स में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको ऊगोनियम टर्म्स आएगा,
राइट। एलगी में जब आप पढ़ते हो तो ये यूगोनियम टर्म यूज करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल गैमेटेंजियम है वो यूनिसेलुलर है और यहाँ भी कोई जैकेट नहीं है, हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन आता है थैलोफाइट्स में, कारा, वो याद रखना। वहाँ पे वो मल्टीसेलुलर होता है एंथ्रीडियम और यूगोनियम, और वो जैकेट भी पाया जाता है, राइट। तो वो एक एक्सेप्शन केस है, अदरवाइज चाहे वो एंथ्रीडियम हो थैलोफाइट्स में, चाहे वो यूगोनियम हो, यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं ये दोनों गैमेटेंजियम और इनके ऊपर कोई जैकेट नहीं पाया जाता। अब एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो टर्म्स हैं ये आपको सिर्फ ब्रायोफाइट से शुरू होगी ये टर्मिनोलॉजी यूज करना, और ये जिम्नोस्पर्म तक पाई जाती है। इसका मतलब आर्किगोनियम जो है वो एक फीमेल गैमेटेंजियम है जो फीमेल गैमेट्स बनाती है, जिसको कि एग सेल कह रहे हैं हम, और ये ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, राइट। और एंजियोस्पर्म में कोई आर्किगोनियम मौजूद नहीं है। इसका मतलब एंजियोस्पर्म एक ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ ना तो एंथ्रीडियम पाया गया ना आर्किगोनियम पाया गया, राइट। तो ये गैमेटोफाइट फेज जो है उसका थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन देखा कि कोई भी गैमेटोफाइट फेज जो होती है वो हैप्लॉयड होती है, और जो हैप्लॉयड फेज है वो क्या बनाएगी, गैमेटोफाइट फेज गैमेट्स बनाएगी। अब चूंकि वो खुद ही हैप्लॉयड है तो वो मियोसिस तो कर नहीं सकती, तो जो गैमेट्स बनाएगी वो कैसे बनाएगी, माइटोसिस से बनाएगी। कहाँ बनाएगी, गैमेटेंजियम में बनाएगी। कितने गैमेटेंजियम, दो, मेल गैमेटेंजियम और फीमेल गैमेटेंजियम। मेल गैमेटेंजियम मेल गैमेट्स बनाते हैं, फीमेल गैमेटेंजियम फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। मुझे लगता है अब ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी आपके साथ ये डिस्कस की है, अब ये टर्मिनोलॉजी आपको आगे कन्फ्यूज नहीं करेंगी। आप जो है कभी भी एंथ्रीडियम सुनो तो आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए तुरंत कि थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स में ये टर्मिनोलॉजी आती है। थैलोफाइट्स का जो एंथ्रीडियम है वो ब्रायो और टाइडो से किस पॉइंट्स में डिफर है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जिम्नो और एनजियो में कोई एंथ्रीडियम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो है अदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो पॉलन ग्रेन और इनके रूप में हम पढ़ेंगे। अब फीमेल गैमेटेंजियम को अगर देखें तो यहाँ जो है उगोनियम टर्मिनोलॉजी आप थैलोफाइट्स के केस में यूज करोगे। यहाँ भी उगोनियम जो है यूनिसेलुलर होती है और इनके ऊपर कोई जैकेट नहीं पाया जाता। आर्किगोनियम जो टर्मिनोलॉजी है फीमेल गैमेटेंजियम के लिए ये आप ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में यूज करोगे, और एंजियोस्पर्म में कोई भी आर्किगोनियम नहीं पाई जाती। यहाँ पर आर्किगोनियम की जगह फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में एम्ब्रियो सैक मिलता है, राइट। तो ये तो था हमारा गैमेटोफाइट फेज को लेके कि गैमेटोफाइट फेज में किस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। अब गैमेटोफाइट फेज के अलावा जो दूसरी फेज प्लांट में है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट फेज। अब थोड़ा सा हम इसको ब्रॉडली डिस्कस किए ही हैं कि जो स्पोरोफाइट फेज होती है ये स्पोर बनाती है, और ये स्पोर कैसे बनाएगी, मियोसिस से बनाएगी। अब ये जैसे गैमेट बनाने के लिए जो गैमेटेंजियम होती थी एक स्ट्रक्चर, वैसे ही स्पोर बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है यहाँ पे वो क्या कहलाती है, स्पोरेंजियम कहलाती है, राइट। अब ये जो स्पोर बन रहे हैं ये साइज में बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, जैसे सारे स्पोर एक जैसे हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो होमोस्पोर कहलाती है, और अगर सारे स्पोर सिमिलर नहीं हैं तो वो हेटरोस्पोर कहलाएगी। जो होमोस्पोरिक कंडीशन है ये थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड सम टाइडोफाइट प्लांट में पाई जाती है। यहाँ पे जो है जो थैलोफाइट हैं, ब्रायोफाइट हैं और कुछ टाइडोफाइट्स हैं वहाँ पे ये होमोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है। इसका मतलब जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है, प्लांट का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियली जो है होमोस्पोरिक कंडीशन ही पाई जाती थी, लेकिन बाद में होमोस्पोरिक कंडीशन जो है किस में इवॉल्व हो गई, हेटरोस्पोरिक कंडीशन में। हेटरोस्पोरिक कंडीशन में जितने भी स्पोर बनते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते। अब ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कुछ टाइडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म प्लांट में, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब ये जो हेटरोस्पोरिक कंडीशन है, ये हेटरोस्पोरिक कंडीशन में दो तरीके के स्पोर पाए जाते हैं, क्योंकि एक जैसे स्पोर नहीं है, सारे अलग अलग हैं। तो कुछ स्पोर साइज में छोटे होते हैं जो माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, कुछ स्पोर साइज में बड़े होते हैं जो क्या कहलाते हैं, मेगा स्पोर कहलाते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो हैं वो जिस जगह पे बनते हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और मेगा स्पोर जिस जगह पे बनते हैं उनको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, राइट। अब माइक्रोस्पोरेंजियम टर्मिनोलॉजी आपको जिम्नोस्पर्म तक यूज करना है। जैसे आप जो हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम ये जो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हो ये आप टाइडोफाइट्स के केस में यूज करोगे,
अब कौन से टाइडोफाइट्स, उन टाइडोफाइट्स के केस में यूज नहीं करोगे जहाँ होमोस्पोरिक कंडीशन है, सिर्फ उन टाइडोफाइट्स के केस में यूज करोगे जहाँ पे कौन सी कंडीशन पाई जाती है, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है। क्योंकि जहाँ पे होमोस्पोरिक कंडीशन है वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पोरेंजियम वर्ड आता है, क्योंकि वहाँ छोटी और बड़ी स्पोरेंजियम है नहीं, वहाँ सारी स्पोरेंजियम एक जैसी होती हैं। तो ब्रायोफाइट्स और जो इनिशियली कुछ टाइडोफाइट्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ स्पोरेंजियम टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे, जबकि जहाँ कहीं भी हेट्रोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है वहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम टर्मिनोलॉजी यूज करोगे। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम टर्मिनोलॉजी आप टाइडोफाइट्स में यूज करोगे, लेकिन कौन से टाइडोफाइट्स, जहाँ हेट्रोस्पोरिक कंडीशन पाई जा रही है और जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद एंजियोस्पर्म में ये माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म हम यूज नहीं करते, यहाँ पर हम पॉलन सैक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, राइट। उसके बाद अगर मेगा स्पोरेंजियम को देखें कि भाई जो मेगा स्पोरेंजियम है इसकी क्या सिचुएशन है, तो मेगा स्पोरेंजियम जो है टाइडोफाइट्स में पाई जाएगी, क्योंकि जो हेट्रोस्पोरिक टाइडोफाइट्स हैं वहाँ मेगा स्पोरेंजियम मिलेगी, जिम्नोस्पर्म में मिलेगी और एंजियोस्पर्म में मिलेगी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, जो टाइडोफाइट्स में मेगा स्पोरेंजियम होती है जहाँ कोई प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट लेयर नहीं पाई जाती, मतलब जैसे जो मेगा स्पोरेंजियम है जहाँ पर मेगा स्पोर इस तरीके से पाया जा रहा है तो उसके चारों तरफ कोई इंटेग्यूमेंट नहीं पाया जाता है टाइडोफाइट्स में, जबकि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है यहाँ पर इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। और इसी इंटेग्यूमेंट पाए जाने के कारण मेगा स्पोरेंजियम के चारों तरफ, ये चीज़ मैंने जिम्नो और जिम्नोस्पर्म के जो जनरल करेक्टर डिस्कस किए थे वहाँ पर भी इंटेग्यूमेंट की मैंने बात की है। तो जिम्नो स्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो है इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। अब इस इंटेग्यूमेंट में भी, मेगा स्पोरेंजियम में जो इंटेग्यूमेंट पाया जा रहा है इसमें भी एक डिफरेंस है कि जो जिम्नोस्पर्म का इंटेग्यूमेंट है वो सिंगल लेयर होता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म के जो सीड होता है वहाँ एक ही लेयर पाई जाती है, टेस्टा, राइट। उसके बाद अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट में देखें तो यहाँ एक से ज़्यादा लेयर पाई जाती है, मोस्ट कॉमन कंडीशन दो हैं। तो यहाँ पे जो हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं तो उसके ओव्यूल के चारों तरफ जो है, सॉरी एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ नहीं, ओव्यूल के चारों तरफ यहाँ दो बाईटैगमिक ओव्यूल पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन एंजियोस्पर्म में देखी गई है। तो इसका मतलब जो मेगा स्पोरेंजियम है, देखिए मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल को ही कहते हैं एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में तो सिंगल लेयर पाई जाती है, और यहाँ पे कितनी लेयर पाई जाती है, मोस्ट कॉमन दो पाई जाती हैं। तो हमने ये देखा कि जो स्पोरोफाइट हैं यहाँ पे किस तरीके से टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं और किस प्लांट ग्रुप में क्या टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी है, ये मैंने एक छोटा सा आउटलाइन डिस्कस किया है। ठीक है, अभी हमने वो चीज़ डिस्कस नहीं की है कि कोई गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कैसे कन्वर्ट होता है और कोई स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, वो अलग अलग प्लांट ग्रुप्स में अलग अलग उसके तरीके हैं जो हम लाइफ साइकिल के रूप में पढ़ते भी हैं। जब मैंने ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनकी लाइफ साइकिल को एक डायग्रामेटिकली मेंशन किया होगा अपने प्रीवियस वीडियोज में, तो आप वहाँ देखोगे कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं। अब किस तरीके से हो रही हैं वो वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस की हैं कि भाई किस प्लांट ग्रुप में आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है और क्यों, और ये चीज़ें क्या हैं कंसेप्चुअली, ये क्या है। ठीक है, अब अगर हम इवोल्यूशन को देखें कि भाई जैसे हम अगर एवोल्यूशन को देखते हैं तो हम यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो थैलोफाइट से एंजियोस्पर्म की तरफ हुआ है। इसका मतलब थैलोफाइट सबसे पहले आए। अब जब थैलोफाइट सबसे पहले आए तो देखिए ऊपर की जो फेज है ये गैमेटोफाइट फेज को दिखा रहा है जो कि हैप्लॉयड है, और नीचे की जो फेज है वो डिप्लॉयड फेज को दिखा रहा है जो कि स्पोरोफाइट फेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ मैं इस डायग्राम से ये समझाने की कोशिश की है कि इनिशियली जो थैलोफाइट्स थे वहाँ पे इस थैलोफाइट्स के कॉलम का सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर किया हुआ है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ कौन सी फेज दिखाई है मैंने, गैमेटोफाइट फेज। इसका मतलब थैलोफाइट जो होते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। अब जब गैमेटोफाइट है तो वो हैप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड होगी, हैप्लॉयड होगी क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। गैमेट जो है वो फ्यूज होंगे, और फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, इस जायगोट बनाएंगे। जायगोट डिप्लॉयड होता है, इसका मतलब वो स्पोरोफाइट है। अब ये स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, और ये मियोसिस से फिर से गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का लाइफ साइकिल हमने थैलोफाइट में पढ़ा था ना, तो वही तो है देखो कि भाई गैमेटोफाइट ने गैमेट्स के थ्रू गैमेट्स बनाए, गैमेट्स फ्यूज हुए, उससे जायगोट बना, जायगोट डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड चीज़ क्या कहलाई, स्पोरोफाइट। इसका मतलब स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया ना गैमेटोफाइट। लेकिन ये जायगोट बहुत देर तक यहाँ रहता नहीं, तुरंत किस में एंटर कर जाता है, मियोसिस में एंटर कर जाता है, और मियोसिस से क्या बनाता है, फिर से गैमेटोफाइट बना देता है। तो यही तो कन्वर्जन हमने देखा था, इसी को तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब
कि जो थैलोफाइट प्लांट होते हैं उसमें गैमेटोफाइट फेज ज़्यादा पाई गई है, ऊपर की कफ जो कॉलम है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पे गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट है। अब आगे की तरफ हम जो देखें ब्रायोफाइट्स को अगर हम डिस्कस करें, तो ब्रायोफाइट जो है यहाँ पे जो स्पोरोफाइट नीचे की फेज है वो पहले की थैलोफाइट्स के कंपैरिजन में देखो ये एरिया बढ़ गया है, राइट। तो ये नीचे का एरिया किसका दिखा रहा है, ये स्पोरोफाइट का दिखा रहा है। इसका मतलब कि थैलोफाइट्स की तुलना में ब्रायोफाइट्स में डिप्लॉयड फेज बढ़ चुकी है, राइट। ऊपर की तरफ जो है वो कौन, लेकिन अभी भी ज़्यादा कौन सी है, गैमेटोफाइट ही है। मतलब मेन जो प्लांट बॉडी है वो जो फेज ज़्यादा हो वो मेन प्लांट बॉडी कहलाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा फेज तो गैमेटोफाइट के दिख रही है, इसका मतलब मेन जो प्लांट बॉडी है वो अभी भी गैमेटोफाइट फेज में ही है, हैप्लॉयड है। मतलब आप कभी भी ब्रायोफाइट का कोई प्लांट देखते हो तो वो हैप्लॉयड होता है, इसका मतलब वो गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेट्स बनाएगा। देखिए ब्रायोफाइट में गैमेट्स बनते हैं, एन3डीएम और आर्किगोनियम में वो गैमेट्स फ्यूज होते हैं और वो स्पोरोफाइट बनाते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ जायगोट बनता है, जायगोट स्पोरोफाइट है, लेकिन जायगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होता। जायगोट क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो में फिर स्पोरेंजियम बनती हैं, स्पोरेंजियम क्या बनाती हैं, स्पोर, और स्पोर फिर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। यही तो हमने पढ़ा है अभी, राइट। तो ब्रायोफाइट्स में ऐसा हो रहा है। अब टाइटोफाइट्स में आओ, यहाँ पे हैप्लॉयड जो ऊपर का फेज है ये कम होता जा रहा है और नीचे का जो स्पोरोफाइट फेज है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और टाइडोफाइट्स में ये हो चुका है कि यहाँ पे जो है स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट हो चुकी है। इसका मतलब जो अपने चारों तरफ जो आप टाइडोफाइट देख रहे हो वो हैप्लॉयड नहीं है, वो कैसे हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, और जब डिप्लॉयड हैं तो वो कौन सी फेज है, स्पोरोफाइट है। तो ब्रायोफाइट्स में क्या था मेन फेज, गैमेटोफाइट था, थैलोफाइट्स में क्या था, गैमेटोफाइट था, लेकिन टाइडोफाइट्स में क्या है, स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट क्या बनाता है बच्चों, स्पोर बनाता है। तो यहाँ पे पहले स्पोर बनेगा, स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, वो गैमेटोफाइट बनाएगा। अब ये स्पोर कहाँ बनेगा, स्पोरेंजियम में बनेगा ऑब्वियसली, टाइडोफाइट्स में। और इस स्पोर ने आगे देखिए, इस टाइडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा है, स्पोरोफाइट है, उसमें क्या पाया जाएगा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है वो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। ये मैंने गैमेटोफाइट में पढ़ाया था कि गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, स्पोर के जर्मिनेशन से। अब ये गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेट्स बनाएगा। गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, जिसको हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं, और फिर जायगोट बनेगा, और जायगोट से आगे एम्ब्रियो बनते हुए फाइनली क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। यही तो पढ़ रहे हैं हम, राइट। अब जिम्नोस्पर्म में देखिए, जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉयड फेज और भी बढ़ चुकी है, इसका मतलब कि जो गैमेटोफाइट है वो और भी रिड्यूज हो गया है। जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे आ रहा है वैसे वैसे गैमेटोफाइट कम होता जा रहा है, स्पोरोफाइट बढ़ता जा रहा है। तो जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि जो गैमेटोफाइट है वो और भी कम हो गया है, और यहाँ पे गैमेटोफाइट में आपको इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है गैमेटोफाइट फेज कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी रिड्यूज हो चुके हैं। यहाँ पे एंथ्रीडियम नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म में, ये मैं अभी भी जो है आगे भी डिस्कस करूँगा, यहाँ एंथ्रीडियम नहीं पाया जा रहा। और प्रीवियस उसमें अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पे आर्किगोनियम जरूर मिल रहा है, लेकिन आर्किगोनियम बहुत रिड्यूज फेज में, बहुत छोटा सा साइज हो चुका है उसका, राइट। तो जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पे मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट है, वो स्पोर बनाएगा, स्पोर आगे चल के क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट फिर से गैमेट्स बनाएगा और वो फिर से स्पोरोफाइट बना देंगे, राइट। तो ये मैंने जिम्नोस्पर्म के जनरल करेक्टर्स में इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस की है, वहाँ से इसको आपको ये फर्दर और क्लियर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो और भी रिड्यूज हो गया है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट की ये इतनी रिड्यूज कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो अब अपना खाना नहीं बना सकता, इसीलिए वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट हो चुका है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब लाइफ स्टार्ट हुई, प्लांट जहाँ से स्टार्ट हुए वहाँ गैमेटोफाइट था, हैप्लॉयड प्लांट हुआ करते थे, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, ये सब हैप्लॉयड प्लांट हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो प्लांट फेज है वो हैप्लॉयड से डिप्लॉयड की तरफ बढ़ रहे हैं, और टाइडोफाइट्स में जो प्लांट हैं वो जो मेन प्लांट आपको दिख रहे हैं आंखों से चारों तरफ वो डिप्लॉयड होते हैं, और जब डिप्लॉयड हैं तो क्या कहलाएगा, वो स्पोरोफाइट। मतलब आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो कि अगर हैप्लॉयड है तो गैमेटोफाइट और डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है और वो ध्यान भी रखना है, जो गैम थैलोफाइट्स थे, थैलोफाइट्स में
जो है मेन प्लांट बॉडी क्या था, गैमेटोफाइट था, और यहाँ स्पोरोफाइट के रूप में सिर्फ जायगोट बन रहा था थोड़ी देर के लिए, और वो फिर से तुरंत मियोसिस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैमेटोफाइट। डायोफाइट में जो है वो अभी भी प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो गैमेटोफाइट में ही है, लेकिन यहाँ स्पोरोफाइट थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन ये जो स्पोरोफाइट यहाँ बड़ा है वो उतना ताकतवर नहीं है कि अपना खाना या सारी आवश्यकताएं पूरी कर सके, इसीलिए वो किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स में आप ये पढ़ते हो कि ब्रायोफाइट्स का मेन कैरेक्टर यही है कि जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, राइट। अब ये लड़ाई आगे भी चल रही है, आगे जो है स्पोरोफाइट और ताकतवर हो गया, अब वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहा, अब मेन प्लांट बॉडी ही वो हो गया है, टाइटोफाइट में मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट हो गया है। लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो जब बनता है तो वो गैमेटोफाइट या टाइटोफाइट्स में स्पोरोफाइट से खाना नहीं लेता, इसका मतलब टाइटोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो पहले की तुलना में रिड्यूस तो है, लेकिन अभी भी वो अपना खाना खुद बना पा रहा है, ये ध्यान रखना है, राइट। अब जैसे ही जिम्नोस्पर्म में पहुंचते हैं, जिम्नोस्पर्म में वो इतना ज़्यादा रिड्यूज हो गया है कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए वो किस पे डिपेंडेंट हो गया है बच्चों, स्पोरोफाइट पे। और सेम यही कंडीशन एंजियोस्पर्म में देखोगे, वहाँ भी जो है आपका जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ पे स्पोरोफाइट के रूप में सिर्फ जायगोट पाया गया था और थोड़ी देर के लिए आता है, यहाँ से स्पोरोफाइट फेज स्टार्ट हुई थैलोफाइट से, यहाँ स्पोरोफाइट फेज थोड़ी बड़ी लेकिन वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही, तो वो किस पे डिपेंडेंट थी ज़रूरतों के लिए, गैमेटोफाइट पे थी। यहाँ टाइडोफाइट्स में ये लड़ाई फिर जारी थी, यहाँ स्पोरोफाइट और मजबूत हुआ, और टाइडोफाइट्स में गैमेटोफाइट जब बनता है तो वो गैमेटोफाइट ब्रायो की तुलना में तो थोड़ा सा रिड्यूज है, कम डेवलप है, लेकिन फिर भी वो अपना खाना बना पा रहा है, वो स्पोरोफाइट जो टाइडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी है उससे खाना नहीं ले रहा है। यहाँ पे प्रोथैलस जो पढ़ते हो, हम प्रोथैलस में पढ़ते हैं ना टाइडोफाइट्स में, कि जो प्रोथैलस होते हैं वो डिपेंडेंट होते नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे ही जिम्नोस्पर्म में पहुँचते हो तो आप देखते हैं वहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूज हो गया है, इतना ज़्यादा रिड्यूज हो जाता है कि मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम एंथ्रिडियम कहते हैं वो तो यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, आर्चिगोनियम पाया जाता है वो भी बहुत रिड्यूज फेज में, राइट। और यहाँ के बाद फिर जब जिम एंजियोस्पर्म में पहुँचते हैं तो सेम कंडीशन, यहाँ भी गैमेटोफाइट जो है कम्प्लीटली डिपेंडेंट है किस पर, स्पोरोफाइट पर। तो कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन गैमेटोफाइट कम होता चला जाएगा और स्पोरोफाइट बढ़ता चला जाएगा, और किस तरीके से बढ़ेगा ये ग्रुप टू ग्रुप आपको ध्यान रखना है। थैलोफाइट में गैमेटोफाइट ताकतवर था, स्पोरोफाइट थोड़ी देर के लिए था, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट थोड़ा बढ़ा और वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अभी वो इतना नहीं बढ़ा है कि वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ले, राइट। इसीलिए उसके बाद टाइडोफाइट्स में स्पोरोफाइट और मजबूत हुआ और स्ट्रांग हुआ, और उसने गैमेटोफाइट से अलग अपना एग्जिस्टेंस रखा और मेन प्लांट बॉडी के रूप में वो डेवलप हुआ यहाँ पे, और यहाँ गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट ही है लेकिन वो अपना खाना खुद बना रहा है, और ब्रायोफाइट्स की तुलना में यहाँ पे गैमेटोफाइट कम डेवलप होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में देखें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूज हो गया है, और वो फाइनली किस पे डिपेंडेंट हो जाता है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये जो एवोल्यूशन के ड्यूरेशन में जो ये पैटर्न है ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि गैमेटोफाइट जो है वो मोस्ट डेवलप गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाएगा, तो देखिए मोस्ट डेवलप गैमेटोफाइट मॉस में पाए जाते हैं, राइट। ये हमेशा याद रखना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि देखिए आप बोलोगे सर सबसे ज़्यादा फेज तो गैमेटोफाइट की यहाँ पाई जा रही है, तो आप जो है ब्रायोफाइट्स में क्यों बोल रहे हो, उसका कारण है, मैं कमिंग स्लाइड में उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना कि मोस्ट डेवलप जो गैमेटोफाइट है वो मॉस में पाया जाता है, मॉस जो कि डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, राइट। उसके बाद सबसे ज़्यादा कम डेवलप अगर आप गैमेटोफाइट देखोगे तो देखो सबसे कम डेवलप गैमेटोफाइट कहाँ पाया जा रहा है, एंजियोस्पर्म में, इसका मतलब सबसे कम डेवलप गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। तो ये तो रहा गैमेटोफाइट के रेफरेंस में चीज। उसके बाद अगर हम स्पोरोफाइट को देखें कि भाई जो स्पोरोफाइट है वो सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ होता है, तो स्पोरोफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में, इसका मतलब एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है स्पोरोफाइट, तो आप प्रीवियस डायग्राम में ये देख ही चुके हैं कि भाई यहाँ पर एंजियोस्पर्म में देखिए स्पोरोफाइट सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप स्पोरोफाइट कहाँ पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में। और स्पोरोफाइट सबसे कम कहाँ पाया जा रहा है,
थैलोफाइट्स में, तो सबसे कम डेवलप स्पोरोफाइट कहाँ होगा? थैलोफाइट्स में। तो आपको इस डायग्राम से ही सबसे कम गैमेटोफाइट डेवलप कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो सब इस डायग्राम से याद हो जाएगा। इसमें बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो मोस्ट डेवलप गैमेटोफाइट होते हैं वो थैलोफाइट्स में नहीं होते, वो कहाँ होते हैं? मॉस में। बाकी जो हैं, आप देखिए यहाँ ये गैमेटोफाइट मैक्सिमम है, स्पोरोफाइट मिनिमम है, यहाँ गैमेटोफाइट मिनिमम है, स्पोरोफाइट मैक्सिमम है। तो बस मिनिमम मैक्सिमम से ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बस इसमें एक्सेप्शन मॉस है। अब वो मॉस क्यों है एक्सेप्शन, उसको आगे हम देखें। उससे पहले कुछ यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स भी हैं, जैसे ड्यूरिंग द एवोल्यूशन गैमेटोफाइट जो साइज है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ है, जबकि स्पोरोफाइट साइज क्या हुआ है, बड़ा है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनिशियली जो है, जैसे जो इनिशियल प्लांट थे, जैसे थैलोफाइट थे, ब्रायोफाइट थे, वहाँ पे जो गैमेटोफाइट फेज थी वो मेन प्लांट बॉडी बना रही थी। मतलब वहाँ पर जो भी आप एल्गी और आप ब्रायोफाइट देखेंगे तो वो गैमेटोफाइट ही होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और जो गैमेटोफाइट फेज होती थी इनिशियल प्लांट्स में, वो इंडिपेंडेंट होती थी, अपना खाना खुद बनाते थे इन लोअर प्लांट्स। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे गैमेटोफाइट फेज जो है वो रिड्यूज होती चली गई और वो फाइनली डिपेंडेंट हो गई। किस पर डिपेंडेंट हो गई? स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट हो गई। उसके बाद इस तरह का जो रिडक्शन है, जब गैमेटोफाइट रिड्यूज हो रहा है तो गैमेटोफाइट के अंदर ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसको हम मेल गैमेटेंजियम और फीमेल गैमेटेंजियम कह रहे हैं। अब ये भी रिड्यूज होंगी, जब भाई बनाने वाली स्ट्रक्चर रिड्यूज हो रही है, जिसका साइज कम हो रहा है, तो उसके अंदर जो पाई जाएगी वो भी रिड्यूज होगा, वो भी साइज कम होगा। तो एंथ्रीडियम जो है, देखिए जिम्नोस्पर्म में जैसे ही गैमेटोफाइट रिड्यूज होता है वहाँ पे एंथ्रीडियम एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एंथ्रीडियम है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको मैंने एंथ्रीडियम नाम दिया था, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते, जबकि आर्किगोनियम यहाँ पाई जा रही है, राइट। और जो एंजियोस्पर्म है वहाँ पे आर्किगोनियम भी नहीं पाई जाएगी, और उसकी जगह पे जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो होता है एम्ब्रियो सैक। तो ये ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जिस तरीके का कन्वर्जन हुआ है, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा फर्दर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए एंथ्रीडियम में, देखिए अब इस पैटर्न को थोड़ा सा देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक स्लाइड है। पहले तो हम एंथ्रीडियम को देखते हैं कि एंथ्रीडियम कहाँ से शुरू हुआ। थैलोफाइट से शुरू हुआ। कहाँ पे एक्सटिंक्ट हुआ? जिम्नोस्पर्म में हमने एंथ्रीडियम नहीं देखे थे। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म से पहले टाइडोफाइट जो ग्रुप है वो लास्ट ग्रुप था जिसमें एंथ्रीडियम पाए गए थे। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडियम नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो है वो पॉलन ग्रेन के रूप में मेल गैमेटोफाइट मिलता है। तो क्योंकि एंथ्रीडियम एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है और इसमें एवोल्यूशन आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको कि हम आर्चिगोनियम नाम दे रहे हैं, उसके एवोल्यूशन को देखें कि वो जो है किस तरीके से इनिशियल ग्रुप में, प्लांट ग्रुप में देखी गई, फिर बीच में जो थे वहाँ कैसी पाई गई, और फिर लास्ट में जिम्नोस्पर्म में किस तरह की स्ट्रक्चर थी, तो इस पैटर्न को स्टडी करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर आपने थैलोफाइट्स के फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्यों डिस्कस नहीं किया है पैटर्न, आप इवोल्यूशन में तो उसको भी ले सकते थे। तो देखिए उसका आंसर ये है कि जो आर्चिगोनियम है, जो मल्टी सेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो ब्रायोफाइट से शुरू होते हैं, जबकि जो उगोनियम था, मैं वहाँ भी बता चुका था जहाँ मैंने उगोनियम डिस्कस किया था, कि जो उगोनियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये यूनिसेलुलर होता है, इसके ऊपर कोई जैकेट नहीं पाई जाती, राइट। और ये सिर्फ थैलोफाइट्स में पाया जाता है। जब वो यूनिसेलुलर है तो उसके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं। हमने अपना ये एवोल्यूशन स्टडी कहाँ से शुरू किया है? आर्चिगोनियम से। तो अगर हम लीवरवर्ट्स, जैसे कि जो इन हेपेटिक ऑप्सिडा ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनको लीवरवर्ट्स कहते हैं, इनकी आर्चिगोनियम को अगर हम देखें, तो देखिए आर्चिगोनियम में यूजुअली क्या होता है, ये मैंने ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स में भी मैंने ये स्ट्रक्चर डिस्कस की हैं, कि कोई भी आर्चिगोनियम इस तरीके से फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका जो बेसमेंट वाला ये फूला हुआ पार्ट है, ये वेंटर कहलाता है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, और ये जो अपर पार्ट है ट्यूब लाइक, ये कहलाता है नेक। तो नेक का जो इंटरनल पार्ट है ये सेल से भरा होता है, इन सेल्स को कहते हैं नेक कैनाल सेल। और एग सेल जो है वो वेंटर में पाई जाती है, और नेक कैनाल सेल और एग सेल के बीच में एक सेल पाई जाती है जिसको कहते हैं वेंट्रल कैनाल सेल, राइट। तो आर्चिगोनिया के एवोल्यूशन की जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जो लीवरवर्ट्स हैं, जो इनिशियल ब्रायोफाइट्स थे हेपेटिक ऑप्सिडा ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, इनमें एनसीसी सेल, मतलब ये जो नेक कैनाल सेल है जो यहाँ पर भरी हुई हैं, इनकी संख्या 4 to 6 पाई जाती है।
अब जो वेंट्रल कैनाल सेल है ये एक पाई जाती हैं और एग सेल एक पाई जाती हैं, लेकिन जो मॉस हैं जो डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं वहाँ पे नेक कैनाल सेल जो अंदर नेक में जो सेल्स भरी हुई हैं इनकी संख्या बढ़ गई है, और ये संख्या कितनी हो गई है, ये 6 से 18 तक हो गई है। तो देखिए जो आर्चिगोनिया है ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये तो गैमेटोफाइट होते हैं, तो गैमेटोफाइट के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मॉस में पाई जाती है, इसीलिए गैमेटोफाइट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहाँ पे पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है, राइट। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे भी वेंट्रल कैनाल सेल एक ही पाई जाएगी और एग सेल भी यहाँ पे एक होगी, राइट। अब हम जिम्नोस्पर्म में देखें, जिम्नोस्पर्म में आते आते अब आप बोलोगे सर टाइडोफाइट्स में क्या केस है, टाइडोफाइट्स में भी जो एनसीसी सेल्स हैं मॉस के कंपैरिजन में कम होती हैं, यहाँ पे 7 to 8 सेल्स पाई जाती हैं नेक कैनाल सेल, वीसीसी यहाँ भी एक ही होती है और एक्सेल यहाँ भी एक ही होती है, ठीक है। तो टाइडोफाइट्स वैसे मुझे यहाँ ऐड करना चाहिए था बट मैं मिस कर दिया, लेकिन आप ध्यान रखना कि मतलब मॉस के कंपेरिजन में एनसीसी सेल्स कम होती हैं टाइडोफाइट्स में, राइट, और वीसीसी और एक्सेल वहाँ एक एक ही होती है। अब जिम्नोस्पर्म आते हैं, जिम्नोस्पर्म में एंथेरिडियम तो एक्सटिंक्ट हो गए थे लेकिन आर्चिगोनियम वहाँ थी। अब यहाँ की जो आर्चिगोनियम को अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक कैनाल सेल मतलब ये जो हिस्सा है इसका आर्चिगोनिया का ये बिल्कुल यहाँ नहीं पाया जाता, और ये वेंट्र वाला हिस्सा ही यहाँ पाया जाता है, और वेंट्र वाले हिस्से में कौन सी सेल्स आती है, वेंट्रल कैनाल सेल। इसका मतलब कि जिम्नोस्पर्म का जो आर्चिगोनिया है उसमें ये हिस्सा नहीं पाया जा रहा है ऊपर वाला नेक वाला, सिर्फ नीचे का फ्लास्क का जो फूला हुआ हिस्सा वही पाया जाता है, और वहाँ पर सिर्फ 2 ही सेल पाई जाती हैं जिसमें एक सेल होती है वेंट्रल कैनाल सेल और दूसरी सेल क्या होती है, एग सेल, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है। तो अब इसमें जो आर्चिगोनिया है वो सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे पाई गई थी, मॉस में, इसीलिए, और मॉस में अदर स्ट्रक्चर्स में भी इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई है इसका, इसीलिए मॉस को सबसे डेवलप्ड गैमेटोफाइट कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे जो एनसीसी बीसीसी जो टर्म शॉर्ट नेम निक ये फॉर्म यूज हुई हैं इनका मतलब नीचे की तरफ लिखा हुआ है, एनसीसी बोले तो नेक कैनाल सेल और बीसीसी बोले तो वेंट्रल कैनाल सेल। तो यहाँ पे मैंने एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों के म्यूचुअल एवोल्यूशन को डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से जो है गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन चाहे वो एंथ्रीडियम हो आर्किगोनियम इन दोनों का एवोल्यूशन पैटर्न क्या रहा है। तो हमने आज के डिस्कशन में बच्चों ये देखा कि जो है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, किस तरीके से वो उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किसी प्लांट को देख के ये कैसे दे समझा जाए कि वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, सिंपल सी चीज़ है कि वो हैप्लॉयड है तो गैमेटोफाइट है और अगर वो डिप्लॉयड है तो स्पोरोफाइट है। आप आंखों से देख के तो नहीं बता सकते लेकिन हाँ क्रोमोसोम संख्या अगर दी हुई है तो आप उसके बेस पे, अब गैमेटोफाइट है तो वहाँ क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, क्या क्या काम वो करता है गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट है तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमें एनकाउंटर होना पड़ता है, फिर क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो स्पोर बनते हैं, किस ग्रुप में क्या सिचुएशन है, राइट। तो उसके बाद अब जो मेगा स्पोरेंजियम है इसको लेके भी फिर हमने देखा कि भाई टाइडोफाइट्स में कोई इंटेगमेंट नहीं पाया जाता जबकि जिम्नोरेंजियो में इंटेगमेंट पाया जाता है और इसीलिए यहाँ पर सीड डेवलप हुए हैं, इंटेगमेंट का बहुत बड़ा आता है यहाँ सीड डेवलप होने में, जबकि यहाँ चूंकि इंटेगमेंट नहीं था इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें थी बनने के लिए सीड के लिए फेवरेबल सिचुएशन, लेकिन चूंकि इंटेगमेंट नहीं था इसलिए यहाँ सीड डेवलप नहीं हुआ, राइट। और जिम्नो और एनजियो में जो इंटेगमेंट वाला मेगा स्पोरेंजियम होता है इसी को हम कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल कुछ अलग नहीं है, मतलब अगर मेगा स्पोरेंजियम के चारों तरफ इंटेगमेंट आ जाए तो उसी को हम ओव्यूल कहते हैं, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें जिम्नो और एनजियो में यूज करनी है। उसके बाद हमने गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है इसको डिस्कस किया, फिर गैमेटोफाइट फेज कहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप है, फिर कहाँ सबसे कम, स्पोरोफाइट फेज को लेके भी यही पैटर्न हमने देखा, फिर कुछ जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का जो एक पैटर्न था एवोल्यूशन का वो देखा, एंथ्रीडियम जो है उसको देखा, एंथ्रीडियम जिम्नोस्पर्म में आके गायब हो रहे हैं, आर्चिगोनिया जो है वो एंजियोस्पर्म में आके गायब हो रहे हैं, फिर इनका आपस का म्यूचुअल एवोल्यूशन क्या है ये हमने देखा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट डिस्कशन जो है वो आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इन दोनों के म्यूचुअल जो डिफरेंस को जो है क्लियर करेगा, और जो है फर्दर जो है आपको इनका जो म्यूचुअल इंटर कन्वर्जन है कि किस तरीके से गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इसके लिए जो है आपको अलग अलग प्लांट ग्रुप में जो आप लाइफ साइकिल पढ़ते हो वो आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि
एनिमल के केस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कन्वर्जन का क्या सिचुएशन है? तो देखिए, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये एनिमल के केस में इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो अंदर ही बनते हैं, और विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी इजैकुलेशन सिस्टम वो सीधे किसी के बॉडी में इजैकुलेट होते हैं, मतलब वो फ्री सिचुएशन में कहीं होते ही नहीं है, राइट? तो इसीलिए इस तरह का कंसेप्ट एनिमल के केस में हम डिस्कस नहीं करते। इस तरह का कंसेप्ट यूजुअली जो डिस्कस किया जाता है वो प्लांट के केस में ही किया जाता है। थैंक यू।